ये जो आने वाला चुनाव है ये बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। देश एक दिशा तय करेगा और उस दिशा को तय करने में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान। जो हालात देश के चल रहे हैं वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। हालात बहुत विकट है। 138 साल पुरानी पार्टी का एक गलत परसेप्शन बनाने की भाजपा के नेताओं द्वारा एक कोशिश की जा रही है और काफी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो औपचारिक बैठक हुई है जिसमें सभी लोगों ने, जिन वक्ताओं ने जो बात कही है उनको निश्चित तौर पर गंभीरता से हाई कमांड को पहुंचाएंगे और जल्द ही जब हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी होगी और यहाँ पे सभी लोगों से अलग से और सभी सीनियर लीडर से बातचीत करके जो उनकी राय मशवरा होगा उसको निश्चित तौर पे पार्टी के सीनियर लीडर्स पे पहुँचाएंगे। निश्चित तौर पे तो मैंने कहा ही है कि हमारी रिपोर्ट में सबसे पहले लिख के भेजेंगे कि स्थानीय की ही मांग है, स्थानीय को ही दिया जाए, निश्चित तौर पे लोगों की राय को माना जाए। जी, सब लोग स्वतंत्र है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र का आदर करती है, सब दावा कर सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र है दावा करने के लिए, मांग करने के लिए, निश्चित तौर। किस तरह के प्रत्याशी को देगी कांग्रेस? जिताऊ उम्मीदवार को देगी और जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विश्वास होगा और हाईकमांड जिनको पूरा एनालाइज करके कि जो अच्छे तरह से चुनाव लड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला कर सकता है, उस व्यक्ति को टिकट देंगे। अच्छा, क्या मान लिया जाए कि लोकसभा का आगाज हो गया? लोकसभा की तैयारियों की शुरुआत है, चुनाव तो जिस दिन घोषणा होगी उसके बाद ही उसकी शुरुआत होगी।